हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको एक रेक्टेंगल पीस से बहुत सी प्यारी सी बैग बनाकर दिखाएंगे जो आपको अच्छी लगेगी। बहुत ही प्यारा हमारा इसका डिजाइन बनेगा। नीचे लाइनिंग और बीच में राइस बैग डालकर इसको पूरे को ऐसे देखिए क्यूल्ट कर लिया है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। यहाँ से इसकी जो लेंथ है ना, ये हमने ली है 28 इंच, और यहाँ से इसके जो विड्थ रखेंगे हम, वो हमने रखी है यहाँ पर 17 इंच। इसको हमने ऐसे फोल्ड किया, अब हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ से हमें कॉर्नर पर इसको शेप देना है 2x2 इंच, 2 इंच, 2 इंच, 2x2 इंच का हमने इसमें बॉक्स बना लेना। तो हम इसकी ऐसे कटिंग कर लेंगे 2x2 इंच की। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 2x2 इंच की शेप दे दी है। अब हमने लेना है यहाँ से, जहाँ से हमारा बंद साइड है यहाँ से लेना हमने 2.5 इंच, 2.5 इंच बाई 2.5 इंच। ऐसे पहले हम इसका बॉक्स बना लेंगे। देखिए हमने इसका बॉक्स बना लिया है। अब हम इसकी ऐसे थोड़ी तिरछी शेप देंगे। ऐसे अब हमने यहाँ से लेना है 1.5 इंच, 1.5 इंच, और यहाँ से लेना है 2.5 इंच, 1.5 इंच और 2.5 इंच की ऐसे गोलाई कर देंगे। ऐसे तो फ्रेंड्स, इसी शेप में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली हमारे जो बैग की है, ये हमारे बैग की ऐसे शेप आई है। तो फ्रेंड्स, अब हम इस पर स्ट्रैप लगाएंगे। पहले ये हमने इसी कपड़े की ऐसे स्ट्रैप बनाकर तैयार की है। देखिए, ये हमने 4 इंच की पट्टियाँ ली थी और इसकी जो लेंथ है ये हमने ली थी 19 इंच। 19 इंच की दो स्ट्रैप हम बनाकर तैयार कर ली है ऐसे सिलाई लगाकर। तो अब हम इनको पहले यहाँ पर ऐसे जॉइंट कर लेंगे, एक इधर साइड और एक इस साइड। देखिए, हम स्ट्रैप को ऐसे इन पर सिलाइयाँ लगाकर इनको जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इस पर सिलाइयाँ लगा ली है और ये स्ट्रैप जॉइंट कर ली है। अब फ्रेंड्स, हमने ये कपड़ा लेना है। तो यहाँ पर मैंने ये दो ऐसे पट्टियाँ ले ली है, ये हमने इसके अकॉर्डिंग लेनी है और 5.5 इंच चौड़ी लेनी है। देखिए इतनी 5.5 इंच चौड़ी लेनी है और इसके अकॉर्डिंग लेनी है। नीचे की तरफ रखकर देखिए, पट्टी हमने इसके नीचे की तरफ ऐसे रखकर, जो जिस शेप में हमारी ये बैक की शेप बनाई है, इसी शेप में हमने यहाँ तक ऐसे सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों तरफ हमने सेम सिलाई ऐसे लगाकर ये तैयार कर लेंगे। ये पट्टी ऐसे लगा दी थी और यहाँ पर जो हमने ये पट्टी, जो हमने वे पट्टी है ऐसे लगाकर अंदर की साइड ऐसे फोल्ड कर दिया है। ये स्ट्रैप निकालने के बाद दोनों तरफ से हमारा जो ये बैग इतना तैयार हो गया है। अब हम इसमें अंदर के साइड हम इसमें पॉकेट लगाएंगे। एक फ्रेंड्स, इसमें हम ये पॉकेट ऐसे लगा लेंगे। ये मैंने ऐसे डबल कपड़ा लिया है, आप चाहे तो सिंगल भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा इसको डबल करके लगाऊंगी। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे रखेंगे, देखिए ऐसे ऐसे, जहाँ पर ये बीच वाली सिलाई ना, इसके यहाँ पर ऐसे रखेंगे और दोनों तरफ से हम ऐसे और ऐसे और नीचे की तरफ से ऐसे सिलाई लगा देंगे। यहाँ से हमारा ये फोल्ड हुआ तो यहाँ से ऐसे ही रहेगा।
तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लगाकर तैयार कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इसमें ऐसे पॉकेट लगा दी है, तो ये हमारी काफ़ी ऐसे बड़ी पॉकेट हो गई है। अब हम फ्रेंड्स इसमें जिप अटैच करेंगे। ये हमने जिप ले ली है, हम जिप को अलग अलग ऐसे डिवाइड कर लेंगे। ये हमने ऐसे डिवाइड कर ली है, जो जिप की सीधी साइड है ना ये वाली हमने अंदर की तरफ ऐसे रख कर और इस पर ऐसे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर जहाँ पर ये कोना ना बिल्कुल हमने यहाँ पर रख लिया ऐसे ऐसे यहाँ पर देखिए। और ये जिप की जो सीधी साइड है ये भी हमने ऐसे अंदर की तरफ ऐसे रखनी है। ये भी हमने इसी तरफ ऐसे दोनों तरफ ऐसे सिलाई लगाकर ये जिप को अटैच कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, दोनों तरफ से हमने जिप ऐसे लगा दी है। अब हम इसको ऐसे कर कर इसमें रनर डाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, रनर हमने डाल लिया है, तो जो एक्स्ट्रा जिप है उसको कटिंग कर लेंगे ऐसे। अब हम इसको ऐसे उल्टा कर लेंगे। देखिए हमने उल्टा कर लिया है फ्रेंड्स। अब हम दोनों तरफ से यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगा देंगे और बाद में इसका ऐसे बेस बना देंगे। दोनों पर ऐसे सिलाई लगाकर और इसका ऐसे बेस बना देंगे। साइडों में से हमने सिलाई लगा दी है और ये हमने इसका बेस भी बना दिया है। जो जो फैचेज होते हैं, धागे निकलते हैं, उन पर हमने पट्टी से फिनिश भी कर दी है, जिससे हमारे कोई भी रफ हैजेस नहीं दिखेंगे। तो हाँ, अब हमने ये बैग हमारा बनकर तैयार हो गया। अब हम इसको सीधा करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बैग ऐसे बनकर तैयार हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सीधा कर दिया, ये हमारा बैग बनकर तैयार हो गया है। देखिए ये हमारा काफ़ी बड़ा बैग बना है और ये हमारी पॉकेट है। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी हमारा अच्छा बैग बना है, इसका लुक हमारा काफ़ी अच्छा आया है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा ये बैग बहुत ही प्यारा सा हमारा बैग बना है। एक रेक्टेंगल पीस से ही हमने ये बैग को तैयार किया है। ये बैग हमारा जो ऐसे बनकर तैयार हो गया। देखिए यहाँ से इसका कितना अच्छा से शेप आई है, देखिए इस तरह। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा बहुत ही प्यारा सा बैग हमारा बनकर तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये बैग की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।